साथियों नमस्कार, मैं तजिंदर सिंह विर्क इस समय उस गाजीपुर मोर्चे के मंच से आपसे बात कर रहा हूं जहां पर ऐतिहासिक रैली शुरू हो चुकी है। इस समय लगभग 9:30 का समय है और जो स्थिति है इस समय जो भीड़ की वो आपको देखते ही बनती है कि किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग जो है आप देख रहे हैं मेरे पीछे किस तरीके से बहुत बड़ी लाखों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं और अभी मुजफ्फरनगर और जो स्थानीय लोग हैं वो ट्रैक्टर ट्रालियों से निकलना शुरू हो गए हैं और ये एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है जिस रैली के अंदर जो रिकॉर्ड हैं अभी तक के वो सारे टूट जाएंगे। और साथियों से हमारा निवेदन है कि आप लोग अनुशासन में रहकर इस आंदोलन में जरूर पहुंचिए। जो मुजफ्फरनगर के आसपास के साथी अभी तक नहीं निकल सके हैं वह तुरंत रैली के स्थान पर पहुंचे। लंगरों की व्यवस्था पूरी है, वॉलंटियर बड़े स्तर पर लगे हैं, हमारे लगभग कई हजार वॉलंटियर पार्किंग की व्यवस्था में लगे हैं, बहुत सारे लोग लंगर की व्यवस्था में लगे हैं। तो हमारा निवेदन है कि किसान आंदोलन की एक ऐतिहासिक रैली अंदर अभी 10 बजे मंच का जो विधिवत कार्रवाई है वो संचालन शुरू हो जाएगा और इसी मंच से लाखों हजारों लोग जो है सुनेंगे, उन नेताओं को सुनेंगे जो नेता पिछले 9 महीने से अपनी जिंदगी का अपना अहम हिस्सा इस आंदोलन में दिन रात कर लगे हैं। चौधरी राकेश टिकैत आएंगे, नरेश टिकैत आएंगे, राज्यपाल साहब हैं और जो नेता हैं वो सारे नेता अभी थोड़ी ही देर में मंच पर पहुंच चुके हैं। उग्रहान साहब हैं, तमाम नेता हमारे पंजाब के जो मोर्चे के नेता हैं रुलदू सिंह जी हों या सारे हों वो मंच पर आगना शुरू हो गए हैं और एक पूरे देश की निगाहें इस समय देश हमारे इस आंदोलन पर हैं जहाँ गोदी मीडिया इस रैली को ना दिखाकर तमाम और मुद्दों को के जा रहा है। वहीं आज ये जो प्रिंट लोकल स्थानीय चैनल हैं, जो सोशल मीडिया है वो लगातार इस आंदोलन को लगातार आपके सामने लेकर आ लो, लगातार जो संघर्ष जारी है इसे दे चलदियां मोदी जी जो भाजपा सरकार है इसनों सबक सिखाउण दे लई संयुक्त मोर्चे वल्लों पिछले दिन ही फैसला किया गया कि यूपी के मुजफ्फरनगर विच एक बड़ी किसान रैली करके उस दे गढ़ दे विच आके उसनू दस्या जाएगा कि किसान अज तेरी हिक दे उत्ते खड़ा है, कदे भी तेरे तिन्ने कानून वापस किए बिना कदे भी घर नू नहीं मुड़ेगा। सो मुजफ्फरनगर दे विच जिला मोहाली तो लोक हित मिशन टोल प्लाजा बड़ौदी नेड़े कुराली तो साडे किसान वीर वड्डी गिणती विच पहुँचे हुए ने, पंजाब दे समेत होरना सूबियां तो भी पहुँच रहे ने। हम हमाके जदों इह राती इत्थे आए तां साडे मुसलमान भरावां ने बहुत खिदमतकारी की ते उन्हां नूं अपने घरां दे विच अटकाया, पूरी खातरदारी की ते उह साडे नाल सारे ही हाजर ने, बहुत उन्हां विच प्रेम है उत्साह है कि जो पंजाब तो जां बाहरी सूबे दे चल के साडा अन्नदाता किसान इत्थे पहुँच रहा है। सो उन्हां दे नाल आपां इस संबंधी गलबात भी करांगे। क्या नाम जी अपना? अमीर हसन। हसन जी, ऐसे है जो आप पहली बार देख रहे होंगे किसान आ रहा है मुजफ्फरनगर में, आप बहुत दरवाजे खोल रखे हैं हमेशा के लिए सबने। हमारे पूरे शहर के दरवाजे खुले हुए हैं, किसान हमारे अन्नदाता हैं और हम सब बहुत खुश हैं, हम सब इनके साथ हैं। किसान आए हैं तुम उनको घर में लेकर आए हैं, उनकी सेवा कर रहे हो और रैली हो रही है, क्या सोचना है सरकार के बारे में ऐसा हो रहा है? जो सरकार के बारे में क्या सोचना है ये तो हमारे बड़े करेंगे, लेकिन हम सब साथ हैं किसानों के, किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं। हमारी दुकानें भी बंद हैं, हमारा शहर भी बाजार भी बंद है, हम सब दिलो जान से किसानों के साथ लगे हुए हैं। जो योगी और मोदी बोल रहा है कि यूपी जो है वो तो हमारे साथ है, पर किसानों के साथ जो साथ दिख रहा है अब, इसका क्या सोचते हो? किसानों के साथ तो सभी हैं, सब किसानों के साथ हैं, ये सब झूठ बोलते हैं, मोदी योगी सब झूठे हैं और झूठ बोलते हैं। ये बदलेगा समाज? बदलेगा समाज, सब कुछ बदलेगा। रैली में जा रहे हैं, बहुत बड़ी रैली हो रही है आपके यहाँ? हाँ, रैली में जा रहे हैं और इतनी तादाद में आदमी है कि कोई गिनती नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा पब्लिक है, बहुत ज़्यादा। पंजाब से किसान सरदार आपके घर आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है दिल से, हमारा पूरा मोहल्ला उन सब के साथ है जो सरदार जी पंजाब से आए हैं, हम बहुत खुश हैं और हम ये चाहते हैं कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। किसान भी साढ़े नाल इत्थे हाजिर ने, जो यूथ है क्या सोचता है देश के बारे में?
जो तो बोले तो मैं चाहता हूँ सर, फिलहाल तो जो अपना मामला है ये, हम एक मुत्तहिद होकर जो है सारे वहाँ पहुँचें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना जो हक है उसको लेने की कोशिश करें। तो मैं यहाँ कारोबार कर रहे हैं, जो किसान है खेती के धंधे से सब जुड़ा हुआ है, ऐसा हो रहा है उसके साथ एक सरासर धक्का है। हाँ, खेती से ही सब कुछ चलता है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि इसको हम हथिया लें, अपने बाप की जागीर समझ रहे हैं इसको, जो कि उनकी नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਖਲੀਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਮਤਲਬ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਬਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਖੜ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਢਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਢਹੇਗਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਯੂਪੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਲੋਕ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਰਗ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਕੇ ਪੇਜ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕਾ, ਉਸ ਪੇਜ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਕੋ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਕਾ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਾਖੋ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੇਜ ਕੋ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਤੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਸੇ ਜੁੜੀਏ। ਮੈਂ ਹਮਾਰਾ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਤੇ ਰਹੀਏ, ਦੇਖਤੇ ਰਹੀਏ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇ ਲਈ ਆਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੋਗਾ ਕਿ ਯਹੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਯਹੀ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਕੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਪ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਇਸੀ ਧਰਤੀ ਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਮੇਂ ਜੋ ਨਾਮ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਅਨੁਰੋਧ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਲੋਕ ਬੜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰਾ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਕੋ ਤੋ ਸਾਥੀਓ ਆਪ ਸੇ ਹਮ लगातार ये कह दिखा रहे हैं हमारे साथी के किस तरह से देख रहे हैं आप भीड़, जो भीड़ है जो इस समय रैली का स्थल है उस स्थल से 15 किलोमीटर तक इसी तरह लोग ही लोग हैं, लोग पैदल चलकर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं और आंदोलन का हिस्सा बने हैं, बिहार से, बंगाल से, राजस्थान से, पंजाब से, पूरे देश के कोने कोने से लोग जो है आज इस आंदोलन में आए हैं। ये पूरे हिंदुस्तान का एक महापंचायत है, इस महापंचायत में देश और विदेश से भी लोग आए हैं, हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों से लोग आए हैं, इसलिए आज इस आंदोलन से एक रास्ता निकलेगा, इसी आंदोलन से रास्ता निकलेगा कि आने वाले दिनों के अंदर इस देश की राजनीति क्या करवट लेगी। उत्तर प्रदेश जिधर जिधर गया है इसी मुजफ्फरनगर की धरती से उत्तर प्रदेश की राजनीति तय हुई है हमेशा, भले 2012-13 का चुनाव हो, भले 2016-17
2018 का विधानसभा चुनाव रहा हो, तो इसी मुजफ्फरनगर से हमेशा दिशा तय की है। तो आज भी इसी धरती से उत्तर प्रदेश के चुनाव भी तय होंगे कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में किसानों की सरकार बनेगी या किसानों को डंडे मारने वाली सरकार बनेगी, ये आने वाले समय में किसान आंदोलन तय करेगा। आज इस धरती से तय होगा, क्योंकि मिशन 2022 जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है उसका आगाज आज ही धरती से हो रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार जो है, ये सरकार जो डंडे मारती है, हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार किस तरह से किसानों के ऊपर लठ चलाती है, किस तरह से हमारा किसान शहीद होता है, ये आज उसी का अंदाजा है कि लोग, लाखों लोग आज भीड़, आज इस देश की जो रैलियां हुई हैं, जिसको मोदी मीडिया लगातार बड़ा चढ़ाकर दिखाता रहा है कि लाखों की भीड़ मोदी की रैली में जुटी है, लेकिन उस मोदी की 10 रैलियां और ये किसानों की एक रैली एक बराबर है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से लाखों लोग जुड़कर इस रैली को देख रहे हैं अपनी, और हमारा निवेदन है तो साथियों आपसे निवेदन है कि आप जुड़े रहिए, देखते रहिए, आपको फिर अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। तो पीछे तक बहुत बड़ी भीड़ है, सबको बेनती है कि बैठने की कोशिश करें। सरसेकर भाई, मेरा निवेदन है कि आप सूचना के बिना, नाम मैच के बिना आदमी भेज रहे हैं, बहुत लोग आगे नहीं, आप कंफर्म करोगे। महिला बहन जी जो मेरी है, भी 5 मिनट संयुक्त मोर्चा नुकसान का मोर्चा, तो कहना चाहूंगे इस मंच पे मौजूद है उनके अलावा उनकी जैसे बंदे के अगर दूसरा व्यक्ति है तो खुद ही सवाल करो ना, आप सवाल तो करो। लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, आज की पंजाबी करा हिंदी, अज की जी रैली है मुजफ्फरनगर के यूपी मिशन में लैके हो रही है, तो जोड़ा मोर्चा दिल्ली वाला 9.5 महीनों तो दिल्ली बार्डर से चलता है, वो मोर्चे ने फैसला किया कि यूपी मिशन में लैके 5 सितंबर असी मुजफ्फरनगर के वड्डी रैली करके यूपी के लोगों को अवेयर करा, उन्होंने मोदी सरकार ने जो हुण तक कारपोरेटा के पक्ष भूल के कीर्ती लोगों का नुकसान किया, सारे पब्लिक अदारे बेच के उन्होंने हवाले करते, नोटबंदी GST वर्गे काले कानून लियांदे ने, उस तरह ये खेतीबाड़ी वाले काले कानून ने जिहड़े वो खाण वाली वस्तां के कारपोरेट का कब्जा कराने की खातर उन्होंने लियांदे ने, असीं चुल्हे चुल्हे तक गल लैके जावांगे यूपी दे विच, इह साडा मिशन है, वो मिशन की खातर असीं 5 सितंबर की वड्डी रैली रखी। आप अपने अध्यक्ष से बात